एक ऐसे नबी जो 100 वर्ष तक मुर्दा रहे फिर जिंदा हो गए। अल्लाह ने ऐसा क्यों किया? 100 साल बाद जब वो मौत की नींद से उठे तो उन्होंने क्या देखा? एक ऐसा मौजजा जो अहले ईमान के लिए इबरत से भरा हुआ है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के जलीलुल कादर पैगंबरों में से एक थे। आप हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। एक कौल के मुताबिक आपके वालिद का नाम शरकिया था। आपका जमाना बनी इसराइल की कैद बाबुल से रिहाई के बाद का यानी 6वीं सदी कबल मसीह का जमाना है। आप अलैहिस्सलाम को खल्कियात का इल्म था और शरीयत मुसवी के आलम भी थे। यही वजह थी कि आप लोगों की नजर में कद्र मंजिलत की नजर से देखे जाते थे। तौरात में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के नाम से किताब सहीफ़ा इज़रा मौजूद है। उसमें हजरत उज़ैर के बारे में ज्यादा मालूमात तो नहीं मिलती, अलबत्ता इतनी मिलता है कि 458 कबल मसीह में जब ईरान के बादशाह अर्तख्शा अव्वल ने यहूदी कैदियों को बाबुल से आजाद किया तो उनकी सरबराई के तौर पर उनके साथ हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम यरूशलम आए। यरूशलम पहुंचकर आपने दोबारा हैकल सुलेमानी में इबादत की तरवीज की और दीगर मजहबी रसूमात को नाफिज किया और यरूशलम शहर में बहुत सारे तामीरी काम करवाए। इस तामीरी काम में शहनशाह ईरान दारा ने आपकी बहुत मदद की। इस जमाने में तौरात का कोई हाफिज जिंदा ना था और ना ही तौरात का कोई नुस्खा मौजूद था, लिहाजा हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को फिक्र लाहिक हुई कि अब अल्लाह के कलाम को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। उन्होंने इसराइलियों को जमा किया क्योंकि आपने बचपन ही में तौरात हिफ्ज कर ली थी, लिहाजा उसे इन सब के सामने पढ़कर तहरीर करवाया। एक दफा का वाकया है कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपनी जमीनों की तरफ निकले और वापसी पर गर्मी तेज होने की वजह से एक वीरान जगह पर ठहर गए। क्योंकि गर्मी बहुत सख्त थी, आप अपने गधे से उतरकर एक पुरानी इमारत में दाखिल हुए। आपके साथ खाने के 2 टोकरे भी थे, एक में इंजीर और दूसरे में अंगूर थे। आपने अपने साथ मौजूदा प्याला निकाला और उसमें अंगूर निचोड़े और एक खुश्क रोटी निकाली और उस मशरूब में डाल दी ताकि कुछ नरम और मीठी हो जाए और खा लें। फिर आप थोड़ी देर के लिए लेट गए। नजरें इमारत की वीरान छत की तरफ उठी तो उन्होंने देखा कि ये इमारत अपने अर्शे पर खड़ी है और इसके रहने वाले मर खप चुके हैं, जिनकी बुसीदा हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। आपकी जबान से बेसाख्ता निकला, अल्लाह कैसे इनको दोबारा जिंदा फरमाएगा? आपको ये शक नहीं था कि अल्लाह इनको जिंदा नहीं फरमाएगा, बल्कि उसके तारीफ और कैफियत पर ताज्जुब करते हुए फरमाया था। फिर अल्लाह अज़्ज़वजल ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा, जिसने हजरत उज़ैर की रूह कब्ज कर ली। 100 साल तक अल्लाह ने इनको यूं ही मौत की नींद सुलाए रखा। इस दौरान बनी इसराइल में बहुत सारे वाकयात और हादसात रूनुमा हुए और बैतुल मुकद्दस दोबारा से आबाद होकर पुरौनक शहर बन गया। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम में दोबारा रूह डाल दी और उठकर बैठ गए। फरिश्तों ने पूछा कि आप यहाँ पर कितना देर रुके हैं, तो आपने जवाब दिया 1 दिन या उससे कुछ कम, क्योंकि आप दिन के शुरू में आराम फरमा हुए थे और जब उठे तो उस वक्त रुबे आफ्ताब का वक्त था। फरिश्ते ने कहा, नहीं, आप 100 वर्ष तक इसी हालत में रहे हैं। आप अपने खाने पानी को देखिए जो बदला तक नहीं। हजरत उज़ैर ने अपने खाने की तरफ नजर डाली तो अंगूर का शीरा और खुश्क रोटी अपने उसी हालत में थी। फिर आपके दिल में बताई गई मुद्दत के बारे में इनकार का ख्याल पैदा हुआ तो फरिश्ते ने कहा, आप मेरी बताई हुई मुद्दत को बईद और गलत समझ रहे हैं, तो फिर जरा अपने गधे की तरफ तो देखिए। तो जब हजरत उज़ैर ने गधे की तरफ देखा तो हैरान रह गए क्योंकि उसकी हड्डियां गल सड़कर घुसीदा हो चुकी थी। फरिश्ते ने हड्डियों को हुक्म दिया तो हड्डियां हर तरफ से इकट्ठी होकर एक जगह जमा हो गई और फिर जुड़कर ढांचा बन गया। हजरत उज़ैर हैरान होकर अल्लाह की कुदरत का नजारा देख रहे थे।
फिर उस ढांचे पर रगें चढ़ी, पट्ठे बने, गोश्त चढ़ा और फिर खाल बनी और बाल आ गए। फरिश्ते ने उसमें फूंक मारी तो गधे ने कान खड़े किए और आवाजें निकालता हुआ खड़ा हो गया। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने ये खुदा की निशानियां देखी तो खड़े हो गए और बोल उठे कि मैं यकीन रखता हूँ कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने गधे पर सवार होके अपने मोहल्ले में वापस तशरीफ लाए तो लोगों ने उन्हें ना पहचाना और हजरत उज़ैर अपना घर भी भूल चुके थे। जब ढूंढते ढूंढते अपने घर पहुंचे तो वहां दरवाजे पर एक बुढ़िया को बैठा पाया जिसकी उम्र तकरीबन 120 साल थी और वो वहां के रिहायशी की वालदा थी। जिस वक्त आप घर से निकले थे उस वक्त वो 20 साल की जवान लड़की थी और आपसे खूब वाकिफ थी। तो हजरत उज़ैर ने उस बुढ़िया से पूछा, क्या ये उज़ैर का घर है? तो बुढ़िया ने हैरान होकर कहा, जी हाँ। फिर बुढ़िया की आंखों से आंसू जारी हो गए और बोली, मैंने एक अरसे से किसी के मुंह से उज़ैर का जिक्र तक नहीं सुना था, अब तो लोग भी उनको भूल चुके हैं। तो इस पर हजरत उज़ैर ने फरमाया, मैं ही उज़ैर हूँ, अल्लाह ने मुझे 100 साल तक मौत की नींद सुला दिया था और मुझे अब उठाया है। बुढ़िया ने कहा, सुभान अल्लाह, बेशक उज़ैर को हमसे बिछड़े 100 साल हो चुके हैं और किसी से इनके मुतालिक हमने कुछ नहीं सुना, लेकिन आप कैसे उज़ैर हो सकते हैं? उज़ैर तो मुतजाबुद्दावात थे, वो जिस मरीज या मुसीबत ज़दा के लिए दुआ करते वो फौरन ठीक हो जाता था, लिहाजा आप दुआ करें अल्लाह मुझे बसारत लौटा दे तो मैं आपको देखकर बताऊंगी आप उज़ैर हैं या नहीं। हजरत उज़ैर ने दुआ की और अपने दस्त मुबारक को उनकी आंखों पर फेरा तो बसारत बहाल हो गई। बुढ़िया ने आपको देखा तो पुकार उठी कि मैं गवाही देती हूँ आप ही उज़ैर हैं। फिर वो बुढ़िया उनको साथ लेकर बनी इसराइल के मोहल्ले में उनके अजीजों के घर पहुंची। वहां हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी मौजूद था जिसकी उम्र तकरीबन 118 साल थी और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के पोते भी कबीले के बुजुर्ग और सरदार थे। बुढ़िया ने सबको आवाज दी और कहा कि ये उज़ैर हैं, अल्लाह ने इनको 100 साल मौत की नींद सुला दी थी और अब इनको 100 साल बाद वापस उठाया है और तुमसे मिलने आए हैं। लोगों ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन जब उस औरत ने अपनी बिनई और हाथों पांव का बताया कि मैं ठीक हो गई हूँ तो फिर सबको यकीन आया और हैरान रह गए। उनके बेटे ने कहा, मेरे वालिद के दोनों शानों के दरमियान सिया निशान था, जब उन्होंने दोनों हाथ उठाए तो वो सिया निशान मौजूद था। फिर बनी इसराइल ने कहा, हमारे अंदर कोई तौरात का हाफिज नहीं था सिवाय हजरत उज़ैर के और बख्त नसर ने तौरात के सारे नुस्खे जला दिए थे, लिहाजा आप हमारे लिए तौरात को लिख कर दिखाइए। हजरत उज़ैर के वालिद ने बख्त नसर के अय्याम में रेत में एक असल नुस्खे को दफन कर दिया था और आपके अलावा इसके बारे किसी को पता तक नहीं था, लिहाजा हजरत उज़ैर सबको लेकर उस जगह पहुंचे और गड़ा खोद कर तौरात निकाली जिसके औराक बहुत बुसीदा हो चुके थे और लिखाई भी मिट चुकी थी। तो आप सबको लेकर एक दरख्त के साय में तशरीफ फरमा हुए। इतने में अल्लाह के हुक्म से आसमान से दो शोले उतरे और आपके सीना मुबारक में दाखिल हो गए और आपको पूरी तौरात खूब याद आ गई। आपने दोबारा तौरात लिखकर बनी इसराइल के हवाले कर दी और बनी इसराइल भी कहने लगे कि बेशक हजरत मूसा भी इतना ताकत नहीं रखते थे कि बगैर किताब के पूरी तौरात सुना सके, लेकिन हजरत उज़ैर हमारे पास बगैर लिखे और बगैर किसी किताब के पूरी तौरात ले आए। वक्त के साथ साथ बनी इसराइल की हजरत उज़ैर से मोहब्बत और अकीदत गलू और गुमराह में बदल गई, यहाँ तक के बनी इसराइल ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया जिसकी नफी अल्लाह ने कुरान में कुछ यूं की है, और यहूद कहते हैं उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं और ईसाई कहते हैं मसीह अल्लाह के बेटे हैं, ये इनके मुंह की बातें हैं। पहले काफिर भी इस तरह की बातें किया करते थे, अल्लाह इन्हें हलाक करे, ये कहां भटकते फिरते हैं। बेशक अल्लाह अज़्ज़वजल हर चीज पर कादिर है। जिस तरह के हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल के बाद जिंदा किया, बल्कि हजरत उज़ैर के गधे को भी जिंदा किया, इसी तरह बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला सब लोगों को दोबारा जिंदा फरमाएगा।
Yeah.